राहुल गांधी वालों 1984 के सिख कतलेआम बारे दिते बयान मगरों अज श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की इकाई वालों राहुल गांधी खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वड्डी गिणती में सिख भाईचारे के लोग मौजूद सन। प्रदर्शनकारियों ने सिख कतलेआम लई कांग्रेस को पूरी तरह जिम्मेवार दस्या ते नाल ही कांग्रेस विरोधी नारेबाजी भी की। उधर वड्डी गिणती च प्रदर्शनकारियों के होने कारण कांग्रेस भवन के बाहर सुरक्षा में वाधा किया गया। प्रदर्शन दौरान DSGMC के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने केजरीवाल बारे कहा कि जेकर वह सिखां दे सच्चे हितैषी ने तो कांग्रेस का समर्थन वापस कर देन। उधर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी, तुम नाम बताओ उन लोगों के, तुमने क्या एक्शन लिया, कौन से लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आज हमसे पूछने आए हैं। 30 साल से दुनिया जानती कि कांग्रेस ने किया है, अब वो बंदे कौन है तू बता। अरविंद केजरीवाल ने जो SID की बात की, हमारी पुरानी डिमांड है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन केजरीवाल से पूछते हैं कि पहले कांग्रेस का समर्थन वापस देंगे, क्योंकि कांग्रेस कातिल है सिखों की और उसका समर्थन लेके सरकार में है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने 1984 सिख कतलेआम लई कांग्रेस को पूरी तरह जिम्मेवार ठहराया है। पार्टी आगुआ का कहना है कि यह इंसान नहीं बल्कि इंसानियत का कान सी। उन्होंने कहा कि 1984 के संताप को कदे भुलाया नहीं जा सकता। अब कांग्रेस ये कहेगी कि हमने उस समय बहुत कुछ रोकने के लिए किया, आपने सब कुछ भड़काने के लिए किया, यह कांग्रेस के द्वारा किया गया घटित एक तरफा नरसंहार था, ये कोई दंगे नहीं थे, कई सिखों ने नहीं मारा, तो लोगों के आपस आमने सामने नहीं हुई, ये तो सीधी तरीके से एक समाज का पूरा एथनिक क्लींसिंग बोलते हैं, वैसा एक नरसंहार था, जो एक ही नरसंहार इस देश में हुआ जो कांग्रेस ने किया, और उसमें कोई भी उपाय नहीं किए लोगों के जान माल के सुरक्षा के। 1984 में जो कुछ भी हुआ वो केवल बेगुनाह इंसान ही नहीं मरे थे, बल्कि इंसानियत का भी कत्लेआम हुआ था, और उस इंसानियत के कत्लेआम से आज भी कांग्रेस का हाथ उस खून से रंगा हुआ है। आज भी लोगों के दिल में वो दर्द ताजा है जो 1984 में दिया गया था, और ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड, कांग्रेस की जो सरकार थी उसका प्रायोजित कत्लेआम था। निश्चित तौर से राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है उस जख्म को कुरेद दिया है, उस जख्म पे मरहम नहीं लगाया, उस जख्म को कुरेद दिया है, और निश्चित तौर से अब बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। और देखो, दिल्ली में सुबह इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, सारा दिन कुछ नहीं हुआ, जब तक कांग्रेस लीडर ने मिलकर ये फैसला नहीं किया कि हमें खून का बदला खून और सिखों को टीच लेसन किया जाए, ये टोटल कांग्रेस का था। और राष्ट्रपति जी के कहने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर तो टेलीफोन नहीं सुना, होम मिनिस्टर ने यह कह दिया कि गवर्नर और जो कमिश्नर है उनकी ड्यूटी है वो कर रहे, गैनी जी ने फौज का कहा तो फौज वहां से मेरठ से भेज दी, वो भी डिले हुई और फौज ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने जो आज बताया और अखबार में छपा है वो उसी बात की पुष्टि करता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में कोई दंगे नहीं हुए थे, नरसंहार हुआ था, क्योंकि दंगों में तो होता है कि दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो, इसमें तो बिल्कुल बेबस और निर्दोष सिख मार खा रहे थे, उनकी हत्या हो रही थी, और जो हत्या कर रहे थे उनके अग्रणी नेता जो थे उस भीड़ के अक्सर बड़े बड़े कांग्रेसी नेता थे। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो, आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।